देखिए आज विशेष परिस्थिति में जो है हमने जो है सामने इधर देखिए जेल प्रशासन से अनुमति मांगी मुलाकात करने के लिए, तो हमें अनुमति मिली। घूम नहीं दिख रहा मनीष लालू जी की तबीयत, आप लोग सब लोग जानते हैं तबीयत खराब है। इधर से कोर्ट के आदेश से वो जो है रिम्स में भर्ती है, और एक उम्र होने के बाद जो है उनको लगातार जो है मॉनिटरिंग जो है वो देखने को कहा गया है, और वो उस चीज़ों की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है। मेरी खुद भी इलाज के लिए हम लोगों ने कई बार मांग की है कि उनको बेहतर इलाज होनी चाहिए, बेहतर इलाज को लेकर के, क्योंकि जो किडनी की जो समस्या है वो लालू जी की आप सब लोग जानते हैं 30% जो है वो काम करता है। तो इस सिलसिले में हम जो है रांची में थे, विशेष परिस्थिति में जेल प्रशासन के लोगों ने अनुमति दी, उस वजह से उनके हालचाल को जानने आए, और साथ ही साथ जो देश में जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा संविधान खतरे में है, जिस प्रकार से जो प्रियम्बल्स हैं संविधान में, जो धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं देखता है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है, इस चीज़ों की भी हमारी लालू जी से चर्चा हुई। जो कैग बिल जो बीजेपी के लोगों ने लाने का काम किया है, तो साफ तौर पे लालू जी से बात हुई, तो लालू जी ने ये कहा कि जो देश के मुद्दे हैं, संविधान है बचाने के लिए जो त्याग देना पड़े, हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो खड़े रहेंगे, हम सब लोग खड़े रहेंगे। और जिसका घोषणा भी हमने जो है ट्वीट के माध्यम से 21 तारीख को बिहार बंद के बारे में हमने किया है, और आप देखिएगा पहले से ही जो सामाजिक समाजवादी जो चरित्र है जो नीतीश कुमार जी का, वो पहले से उजागर हो चुका है, और जो धर्म निरपेक्षता का जो चोला पहने हुए थे नीतीश कुमार जी, अब ये पर्दा जो है चोला हट गया है, अब साफ तौर पे जो है संघीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से बीजेपी का समर्थन किया, बिल का समर्थन किया, आरएसएस का जो एजेंडा है उसका समर्थन क्या के मसले पर किया है नीतीश कुमार जी, बीजेपी को रोकने के लिए 2015 में महागठबंधन लालू जी ने बनाया था, और याद कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लालू जी ने गठबंधन बनाने के समय ये कहा था कि चाहे जो जहर पीना हो वो पीने के लिए तैयार है। आज देखिएगा लालू जी ने जो जहर पिया, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो धर्मनिरपेक्षता का जो चोला है अब सभी के सामने जो है वो उजागर हो गया है, और उन्होंने साफ तौर पे लालू जी ने कहा नीतीश कुमार जो है भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है, नीतीश कुमार पे भरोसा एकदम नहीं किया जा सकता। और जो अभी मसला चल रहा है नीतीश कुमार जी का, जिस प्रकार से कैग को लेकर के पार्टी के लोग जो हैं अंदरूनी ड्रामा जो कह सकते हैं, नीतीश कुमार जी द्वारा स्क्रिप्टेड ड्रामा पूरी तरीके से चल रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, ये नीतीश कुमार जी का पुराना ड्रामा है, और ड्रामा करने वाले कौन है, वही लोग हैं जिसको मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने उपाध्यक्ष बनाया है, जो बीजेपी का आदमी हो, जो बीजेपी के अमित शाह के कहने पे जिसको रखा हो, तो पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो एक होता है ना रुदालू, जो रुदालू नीतीश कुमार जी रखे हुए हैं, जब जब नीतीश कुमार जी फंसते हैं तब तब इनके रुदालू लोग जागते हैं, आते हैं। रुदालू क्या होता है, जब राजा महाराजा के यहाँ लोग जब मर जाता था तो किराए पर रोने वाले लोगों को बुलाया जाता था, उनको रुदालू कहा जाता था, तो वही रुदालू लोग जो है नीतीश कुमार जी को बचाने के लिए, उनका चरित्र को फिर से ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी ने किराए पे रुदालियों को रखने का काम किया, वही रुदालियों वाला ड्रामा चला।